नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले न्यूज 24 की टीम अयोध्या से लगातार अपनी कवरेज आपको दिखा रही है। महंत मानस दास न्यूज 24 की खास पेशकश में शामिल हुए। देखिए कैसे सरयू के तट के पास माहौल को कैसे राममय किया गया। मानस जी, क्या ये वही समय है जब अयोध्या में राम जी वापस लौटे 14 साल के वनवास के लिए? अश्रुधारा फूट चुकी थी, नंगे पैर महिलाएं पुरुष भगवान के आगमन के लिए सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दिवाली जैसा माहौल था और आज हम अयोध्या नगरी को देख रहे हैं, होली दिवाली से कम नहीं दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्वर्णिम पृष्ठ एक बार फिर से लिखा जा रहा है, इसको कुछ बयां कीजिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे घर राम आए हैं, सजा दो को गुलशन सा। मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम, ओ मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, दुल्हन सी, दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, कर अपने लाला को आई मेरी आंखें, देख के अपने लाला को। पानी रे निभा मापा मानी नी मानी मानी नी मासा नी सा पानी पा मापा मा गमा करे करे नी रे सा गमा रे नी सा नी पड़ा पा गमा पानी सा नी रे नी दबा मापा गमा पड़ा पा मापा नी नी दबा मापा गमा मापा गमा करे सा गमा रे नी सा। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने लाला को, देख कर अपने लाला को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरी गलियां, मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे घर राम आए, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे घर राम आए
इनके चरणों को बहाकर बहाकर बखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा। खुशी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। मगर इश्क को ढूंढने जो चला वो तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए। बिछा दो घर को गुलशन का, मेरे घर राम आए। हाँ मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए, राम आए, राम आए। गजल और सूफी कलाम एक, मैं चाहूंगी एक कलाम भी आप जरूर मुझे सुनाएं और हमारे तमाम दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि अयोध्या नगरी में जो ये माहौल है, जिस तरह से हमने आपके तमाम भजनों द्वारा सुना, कन कन में पग पग में राम है, ऐसी ही कोई एक कलाम जरूर सुनाइए। दरबार में राघव प्यारे के, दरबार में राघव प्यारे के, सब झोलियाँ भर के जाते हैं दरबार में राघव प्यारे के। दरबार में मेरे दरबार में, दरबार में राघव प्यारे के, हाँ दरबार में राघव प्यारे के, सब झोलियाँ भर के जाते हैं दरबार में प्यारे प्यारे के। इस दर की करीमी क्या कही है, इस दर की क्या कही है, निरी सारे सनी सब बनी भाव मा गा बनी सारी भाव बनी बनी भाव गा भाव गा करी सा। इस दर की करीमी क्या कही है, इस दर की करीमी, सब झोलियां भर के जाते हैं, सब झोलियां भर के जाते हैं। करती है कृपा मिथिलेश सुता, करती है कृपा मिथिलेश सुता, मुँह मांगे मुराद पाते हैं दरबार में राघव प्यारे के। दरबार में प्यारे गा भानी नी सा भानी नी सा भानी भा मा भा मा गा घरे घरे सा करे घरे घरे सा करे 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 मा मा गा मा गा मा मा दा दा बरा बरी नी दा नी दा नी दा नी दा नी दा नी दा परी भा मा मा गा मा घरे घरे सा परी भा मा मा गा मा घरे घरे सा परी भा मा मा गा मा घरे घरे सा। दरबार 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 में सब झोलियां भर के जाते हैं दरबार में।
राघव मानस जी, राम आ गए लेकिन अब मुझे राम नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है मानवता का एक ही धर्म और कर्म है, हम सभी इंसान हैं, हम सबका रंग रूप खान पान एक जैसा है, हम मानव सेवा के लिए आए हैं। लेकिन अब जब राम आ गए मुझे राम नजर नहीं आ रहे, मैं नेत्रहीन हो गई हूँ, तो मुझे राम तो दिखा दीजिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नजर के मैल को नहीं सवारा, नजर के मैल को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम ढूंढ रहे हो मग में, तुम ढूंढ रहे हो मग में, प्रभु कैसे मिलेंगे पग में। तुम ढूंढ रहे हो मग में, प्रभु कैसे मिलेंगे पग में। बंद है तेरे दर का द्वारा, बंद है तेरे दर का द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बंद पड़ा है तेरा द्वारा, बंद पड़ा है तेरा द्वारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। द्वार खोल दिए मान जी, मैंने द्वार खोल दिए मानस जी। अब चाहिए नजर, चाहिए जो फरेबे जलवा न खा सके, उसे उस नजर की तलाश है। चकाचौंध देखने वाली आंखें उसको नहीं देख सकती हैं। जो फरेब जलवा न खा सके, फरेब वाले जो जलवा है, फरेब देने वाला, ये जो जिसकी नजर को नहीं धोखा दे सकता, वो नजरें उसको देख सकती हैं। तो अब मैं राम के लिए क्या करूं, कैसे उनका भक्ति भाव करूं, कैसे उनका सेवा भाव करूं, क्या बनाऊं, क्या परोसूं कि मेरे राम प्रसन्न हो जाएं? ठाकुर जी कहते हैं, एक भक्त ने कहा, दामन झटक कर चल दिए वो और यूं कहते हुए, दामन झटक के चल दिए वो और यूं कहते हुए कि हम कहां बैठे, यहां तो गैर हैं बैठे हुए। पहले गैरों को निकालो तो अपने दिल से ठाकुर जी खुद आ जाएंगे। तो अब ठाकुर जी को भोग लगाना है, अब बताइए लग जाएगा? माखन मिश्री क्यों नहीं, शबरी के बेर। देखिए ठाकुर जी के बारे में एक चीज आपको पता नहीं होगा, भगवान राम ने भी रास रचाया था, आपको मालूम है? बिल्कुल। चित्रकूट में कृष्ण भगवान ने वृंदावन में रचाया था। बहुत गोपनीय, बहुत गुप्त बात है जो कि उपासक लोग जानते हैं। हमने आपसे अभी रसिका सुना है, ठीक है ना। ऋषियों की आकांक्षा थी कि ठाकुर जी हम लोगों के साथ, हम उनकी पत्नी हों, तो ठाकुर जी ने रास रचाया और सारे ऋषि मुनि सखी हो गए थे, सखियां हो गई थी, गोपी हो गए थे, तो वहां ठाकुर जी ने भी रास रचाया था। आज मोरे अंगना में आओ मेरे राम, चले आओ मेरे राम, दर्शन की प्यासी गुजरिया राम। आज मोरे अंगना में राम, चले आओ प्रभु राम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। और क्या करो, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी प्यारी बतिया, मीठी प्यारी बतिया, सुनाओ मेरे राम, चले आओ मेरे राम, दर्शन की प्यासी गुजरिया राम। आज मोरे अंगना में राम,
चले आओ श्री राम, दर्शन की प्यासी गुजरिया में। सबरी के खाओ और केवट के खाओ, सबरी के खाओ और केवट के खाओ, सबरी के खाओ और केवट के खाओ, सबरी के खाओ और केवट के खाओ। प्रेम से मेरे भोग पाओ मेरे राम, प्रेम से मेरे भोग पाओ मेरे राम, चले आओ मेरे राम, दर्शन की प्यासी गुजरिया राम। आज मोरे अंगना में आओ मेरे राम, चले आओ श्याम, तुमको प्यारी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया मेरे राम, तोरे दर्शन की प्यासी गुजरिया मेरे। एक अंतिम बार आपसे ऐसा कोई भजन जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि पूरे देश को, हर भक्त को इंतजार है इस वक्त रामलला की मूर्ति का, लेकिन समय की कमी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका संत मानव दास जी, इस पूरे इतने मधुर भजनों का, इस निर्गुण भजनों का। और सिर्फ ना सिर्फ ये भजन है, बल्कि ऐसे भजन है जो गहरा संदेश छोड़ जाते हैं। अयोध्या नगरी से न्यूज 24 की ये कवरेज जारी रहेगी, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।